नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर, कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास क्या ना करें, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय, आज आचार्य जी बताएंगे कुछ साधारण तंत्र जिनका प्रयोग करने पर धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इनर का प्रयोग करते समय मन में शुद्धता का भाव होना चाहिए, तभी ये सफल होते हैं और आपका जीवन संवर कर आपका बनाता है समृद्ध। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। अगर नहीं बढ़ रही है आपकी समृद्धि, नहीं हो रही है धन संपदा में वृद्धि, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से जीवन संवारने के तंत्र मंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधाओं को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता सता रही है और कर रही है आपको परेशान, तो देर मत कीजिए, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102633। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। आचार्य जी, जी आज का पंचांग इस प्रकार है, विक्रम संवत 2069, फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास का ये शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है प्रीति, करण है तैतृ। और अब बात करते हैं राशियों की कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। और चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तनाव की स्थिति पूरे परिवार में बन सकती है। खासतौर पे आप आज बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं, भागदौड़ भी होगी, परिवार में तनाव की स्थिति आज बनी रहने वाली है। तो अपने व्यवहार से, अपने बुद्धि विवेक से परिवार के तनाव को कम करने का प्रयास करिए। ओम नारायणाय सूर्य सिंहासनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की तिथि में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप मांसाहार का सेवन न करें। आचार्य जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापारिक प्रयास सार्थक रहेंगे। पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते जो ठीक नहीं चल रहे थे, अब आप इन्हें सुधार सकते हैं। अब आपको पूरा अवसर मिलेगा अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को सामने रखने का, बातों को कहने का। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का जाप करिए, आज की तिथि का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी की निंदा ना करें। आचार्य जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है? जी मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको परिश्रम व कर्मठता का लाभ मिलने वाला है। दिन अच्छा बीतेगा यदि आप पूरी मेहनत और परिश्रम से आज अपने काम में लगते हैं। नया सप्ताह है, उम्मीदों का सप्ताह है, तो पूरे मेहनत से काम करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणो नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना और इस मंत्र के जाप के लिए जहां तक हो सके मोती की माला का प्रयोग किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन आज कैसा रहेगा। आचार्य जी, कर्क राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में आप अपने स्वभाव के अनुसार, जिस तरीके से आपका स्वभाव है, आप मेहनती व्यक्ति हैं, आज आप उसका लाभ ले सकते हैं।
करियर के लिहाज से आज का समय जो है वो बेहतरीन हो सकता है। ऑफिस में आपको तरक्की मिल सकती है। आज की तिथि में यदि आप पूरी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें तो निश्चित ही आपके लिए दिन आज उपलब्धियों भरा रहेगा। माँ देवी दुर्गा की आराधना कर लेना, देवी दुर्गा के समक्ष बैठ करके माता के 108 नामों का स्मरण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि निवेश की कोई आपकी योजना है तो उस इन्वेस्टमेंट से बचिए अभी। और चलिए अब आचार्य से जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी जो बुद्धि की विलक्षणता है आप उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप अपनी जो तेज तर्रार आपके सोचने का तरीका है, जो आप पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ही आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। आज कुल मिलाकर के इस पूरी ऊर्जा का, इस आपके अपने व्यवहार का, अपने अंदर के इस गुण का लाभ लेने का दिन है। जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है वो सकारात्मक तरीके से आपको करना चाहिए तो निश्चित ही आज आपको सफलता मिलेगी। आज आप जब गणपति पूजन करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि संभव हो सके तो हरे स्वरूप गणपति का यदि आप आराधना करते हैं, हरे गणपति को घर में स्थापित करें और उनको पूजा पाठ करते रहें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अपने व्यापार में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई साझेदारी चाहते हैं तो उससे बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक लाभ आज आपको बाधित होकर के प्राप्त होगा। यानी जहां से आज आपको प्रॉफिट या बेनिफिट मिलना था, जहां से इनकम आनी थी, आपने सारी तैयारी कर रखी थी, बस आज आपकी पेमेंट आनी थी, आपको मोटा मुनाफा होना था, आज हो सकता है उसमें कहीं से कोई बाधा आ जाए, तो उससे बहुत परेशान मत होइए। दिमागी उलझनों से आज आपको अपने मेहनत से, अपने प्रयास से कुछ छुटकारा मिल जाएगा। ये जो पेमेंट में डीले हो रहा है वो सिर्फ आज भर की डीले है, आज भर की समस्या है, तो बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं, इस मंत्र को आपको 108 बार यानी 3 माला आपको जाप करनी है, 108 बार की 3 माला जाप करनी है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और जाप के लिए यदि आप लाल चंदन की माला का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, आज आपके लिए बहुत सोच समझ करके और संभल करके निवेश का दिन है, जल्दीबाजी मत दिखाइएगा। तो ये तो हमने जाना कि 6 राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अब बात करते हैं उन कॉलर्स की जिनके जीवन में है कुछ परेशानियां और जानना चाहते हैं आचार्य जी से कि उनको उन परेशानियों से कैसे निजात मिले। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मनोज से, जुड़ गए हैं बनारस से। जी मनोज जी, अपने सवाल पूछने से पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और समय बताइए। नाम आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए मनोज जी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हमारी जन्म की तारीख है सर 15 जून 1985 और जन्म स्थान बिहार का, समय 4 से 4:30 बजे के बीच। सुबह या शाम का? ये शाम का सर। जी प्रश्न सर हमारा ये है कि जैसा कि सर हमने पढ़ाई कर रखी, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो प्राइवेट नौकरी हम किस सेक्टर में करें कि जिससे सर हमें कामयाबी मिले। और सर हमारे इष्ट देव कौन है सर, कोई भी काम हमारा बनते बनते सर बिगड़ जाता है, इसके लिए सर हमें कोई उपाय बताएं। चलिए मनोज जी शुक्रिया। जी मनोज, आपकी जन्म पत्रिका मेरे सामने है। आपका जो प्रश्न था कि काम कोई नहीं बनता, सरकारी नौकरी करे कि ना करे, देखिए बहुत सीधी सी बात है, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जाना चाहिए। फिर आपने पूछा प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो कौन से क्षेत्र में जाएं, देखिए कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां कोई टेक्निकल चीज़ें, जहां मशीनों से जुड़ा हुआ काम होता हो, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ काम होता हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आईटी की फील्ड हो सकती है या मशीनों से जुड़ा हुआ कोई तकनीकी क्षेत्र जहां आप जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि आपके इष्टदेव कौन है, तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार माँ लक्ष्मी ही आपके लिए इष्टदेव बनती हैं, तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप नियमित आराधना करिए। राहु की महादशा चल रही है, ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करते रहें, जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। हमारे साथ लखनऊ से पिंकी जी जुड़ गई हैं। पिंकी जी, सवाल पूछने से पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और समय बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार पंडित जी, हम अपने बहन के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी शादी का योग कब तक बढ़ रहा है। उसका नाम नीतू है, जन्म पत्रिका नहीं मालूम है, जन्म का स्थान बनारस है। जी पूरा विवरण बताइए, जन्म का पूरा विवरण बताइए। जन्म मतलब बनारस का है, नाम है नीतू, मतलब पता ना, वो जन्म तिथि नहीं मालूम है। जी देखिए जन्म तिथि अगर नहीं मालूम है तो विवाह का उचित समय बिना कुंडली के नहीं बताया जा सकता। प्रश्न लग्न से सिर्फ एक हिंट मिलती है, सिर्फ एक लक्षण मिल सकता है जो मैं आपको बता देता हूँ।
इस प्रश्न के अनुसार इनके विवाह का समय चल रहा है, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराइएगा तभी जा करके लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि और राहु का जो संयोग है वो इनके विवाह में बाधक है। आगरा से हमारे साथ रेखा जी जुड़ गई हैं। रेखा जी, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और समय बताइए। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण, बताए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/77 जी, दिन सोमवार, समय 8:40 शाम के जी। पंडित जी, मुझे दो बातें पूछी है अपने बारे में, क्या मेरे लिए सरकारी नौकरी का योग है भविष्य में जी, और दूसरी बात ये कि एक मकान देखा है पंडित जी जी, जो दक्षिण मुखी है और जमुना जी के उसके पीछे जमुना जी हैंडपंप का पानी उतर गया है, क्या ये शुभ संकेत है जी। देखिए, आपके दोनों प्रश्नों के अनुसार वर्तमान जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत शुभ नहीं बन रही है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। मंगल जी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, सूर्य की स्थिति आपके लिए सरकारी नौकरी के लायक नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, उसमें कोई आपके टैलेंट में कमी नहीं है या उसमें कहीं किसी को शंका नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर्स में कहीं अच्छी उपलब्धि मिल सकती है, आपको मान सम्मान मिल सकता है। जहां तक रही मकान, आपने कहा दक्षिण मुखी है, मकान वर्तमान समय में आपको जो भी मिलेगा वो पूर्व मुखी और उत्तर मुखी मिलेगा आपके कुंडली के अनुसार। तो इस समय यदि आपके सामने दक्षिण मुखी मकान का ऑप्शन आता हो तो आप उसको छोड़ दें, थोड़ा सा इंतजार करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है, पूर्व मुखी और उत्तर मुखी मकान ही आपको सूट करेगा। दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी में यदि आप जाते भी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी। और फिलहाल करेंगे छोटे से विराम के लिए, विराम के बाद हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे, और अब बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन? जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को जिन कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी, आज यदि आप प्रयास करते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो आपके वो कार्य आज पूर्ण होंगे। व्यक्तिगत संबंध और भी मधुर होने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में आपको यात्रा से बचना चाहिए, यात्रा के लिहाज से आज का दिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है। और आइए जान लेते हैं आचार्य जी से कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन आज कैसा रहेगा। आचार्य जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको घेरे रखेंगी। आज आप परेशान रह सकते हैं, कुछ व्यथित रह सकते हैं, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आप आसानी से इनसे उबर सकते हैं। आज की तिथि में कूर्म पृष्ठ पर बने हुए यानी कछुए की पीठ पर बने हुए श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को घर के पूजा स्थान में रख करके उनका नियमित पूजन किया जाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ दिन नहीं है, तो यदि जहां तक आवश्यक ना हो आप यात्रा न करें, बहुत अपरिहार्य है, बहुत इमरजेंसी है तो जरूर जाना पड़ेगा। आचार्य जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन आज कैसा रहेगा? धनुराशि वाले जातक लोग, खासतौर पे नौकरी पेशा लोग, अपनी नौकरी में बदलाव का विचार बना सकते हैं। लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति से संबंधित कोई विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आज की तिथि में आपको करना यह है कि गौ माता को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके दो टुकड़े गुड़ के साथ आप ये दो रोटी खिला दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में या आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग हों, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से, अपनी भावनाओं से, अपनी वाणी से, किसी भी प्रकार से उनके मन को, उनकी भावना को, उनके दिल को मत दुखाइए। आचार्य जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन आज कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यस्तता होने के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आज की तिथि में बना रहने वाला है। तरक्की के साथ ही आज जो है आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। धनदा यंत्र को यदि आप घर के पूजा स्थान में स्थापित करते हैं और उनका दर्शन पूजा पाठ नियमित करते रहते हैं तो निश्चित ही आशातीत सफलता मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, बहुत ही धीरज से, बहुत ही संयम से काम करिए। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिन उनके लिए आज कैसा रहेगा। आचार्य जी,
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप थोड़ा सा अस्वस्थ भी हो सकते हैं। स्वस्थ होने में आपको कुछ समय लग सकता है। ज्यादा काम करने से आपको बचना चाहिए और टेंशन तनाव भागदौड़ कम से कम लें तो आपके लिए उत्तम होगा। सोचे हुए सभी कार्य जो हैं आपके वो सिद्ध हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के समक्ष आज आपको बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और जाप करने के लिए यदि आप तुलसी की माला का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन का प्रयोग तेज गति में मत करिए। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन आज कैसा रहेगा। अच्छा, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए क्रोध में स्वयं का नुकसान संभव है तो क्रोध करने से बचना चाहिए। कोई फैसला जो है आज जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में न करें तो आपके हित में होगा। पशु पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा यानी सप्तधान्य सात तरीके के अनाज यदि आप डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में भाई बंधु के साथ आज वाद विवाद संभावित दिखाई देता है तो उससे आपको बचना चाहिए। और अब वो पल आ गया है कि जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यानी महा उपाय का। आचार्य जी क्या है आज का महा उपाय? जी बिल्कुल बताता हूं दिव्यांश। दिव्यांश अक्सर ऐसा जीवन में होता है कि जब आप किसी अमीर व्यक्ति को समृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन से भी एक पल के लिए तो ये बात जरूर आती है, विचार जरूर आता है कि काश मैं भी इनकी तरह समृद्ध होता या मैं भी इनकी तरह अमीर होता तो कितना अच्छा होता। कुछ लोग ये सोचते सोचते इसी बात पर कि मेरा समय बहुत अच्छा आने वाला है पूरा जीवन गुजार देते हैं, कोई भी प्रयास अपनी तरफ से नहीं करते, जबकि कुछ लोग इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कुछ साधारण तंत्र के प्रयोग ऐसे हैं, आप अपनी दिनचर्या अपने काम को जरूर करते रहिए। आपको कभी हमारा ज्योतिष शास्त्र तंत्र मंत्र ये नहीं कहता कि आप इनके आश्रित हो जाएं। आप काम करते रहेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। हमारा शास्त्र भी कहता है कि सकल पदार्थ ही जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। तो जब आप इनको करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने प्रयास को कभी भी रोकना नहीं चाहिए और आपको ध्यान ये रखना है कि इन तंत्र प्रयोगों को करने से आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, धन प्राप्ति के मार्ग खुल सकते हैं। इन टोटकों को करते समय मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए तभी ये सफल होते हैं। कुछ तंत्र प्रयोग इस प्रकार से हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, बहुत सावधानी से सुनिए और इन्हें करिए। ये सरल प्रयोग वो टोटके आपके जीवन को संवार सकते हैं और आपको बनाएंगे समृद्धशाली और धनवान। आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन आप रोली या लाल चंदन से पीपल के पत्ते पर राम लिख करके यानी राम नाम लिखना है पीपल के पत्ते पर और कुछ मीठा रख करके हनुमान जी के चरणों में हनुमान मंदिर में चढ़ाना, इससे आपको धन लाभ होने लगेगा। शुक्रवार के दिन से यानी फ्राइडे से आपको यह शुरू करना और प्रयास ये करिए कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, पहला शुक्रवार हो। शुक्रवार के दिन से प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के पौधे के सामने गाय के देसी घी का दीपक आप जलाना शुरू कर दें। ये प्रयोग निरंतर जारी रखिए। घर की जितनी दुर्दशा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में गुंजा के बीज रखने से, ये मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, गुंजा के बीज रखने से धन वृद्धि होती है, इसका बहुत ही चमत्कारी परिणाम हम लोगों ने देखा है। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के शाम के समय में 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर के साथ मिश्री का भोजन कराना तथा उपहार में कुछ लाल वस्तु देना ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। ये उपाय आपको लगातार 3 शुक्रवार करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक बहुत ज्यादा खर्च की स्थिति बन जाए तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठ करके कर लें। यह प्रयोग आपको 3 मंगलवार नियमित करना चाहिए। और एक दूसरा उपाय यह है कि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में शंख पुष्पी की जड़, शंख पुष्पी एक वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसकी जड़ आप ले आइए, उसको विधिवत लेकर के आए और उसे धूप दीप दिखा करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए चांदी की डिब्बी में रख करके अपने पास रख लें। इसे आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इसको अपने साथ रखने से आर्थिक समस्या दूर होगी। ये कुछ मैंने आपको 5-7 बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र नहीं है, कोई बहुत तामझाम, कोई आडंबर नहीं है। आपको जो भी करना है अपनी श्रद्धा से करना है, या तो पीपल के पत्ते पे राम नाम लिखना है, इसमें कोई तंत्र की प्रक्रिया नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जितने भी आपको मैंने उपाय बताए इनमें से कोई भी एक या दो आप अपनी सुविधा के अनुसार करिए, लेकिन उचित परिस्थिति में करिए, अच्छे तिथि और नक्षत्र में करिए, निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप हमेशा लोगों को देख करके उम्मीदें नहीं बांधेंगे, लोग आपसे उम्मीद रखने लगेंगे और आप समृद्ध और शक्तिशाली हो जाएंगे। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को वो तमाम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल।
और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।